दिल्ली NCR में मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए राहत के साथ ही आफत लेकर भी आई है। भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 6 घायल हुए हैं। दरअसल भारी बारिश के बीच टर्मिनल 1 पर सुबह के वक्त यहां गाड़ियों की लाइन लगी थी कि तभी अचानक से पार्किंग की छत गिर गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। वहां मौजूद लोगों में फरा तफरी मच गई और तुरंत आपातकालीन सेवाओं को मदद के लिए कॉल किया गया। दिल्ली के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 6 लोग घायल हैं और उन्हें मेदांता एयरपोर्ट में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया सुबह 6:50 पर ADO रविंदर की ओर से संदेश आया कि एयरपोर्ट का शेड गिर गया है, जिसके कारण 8 लोग फंस गए हैं और घायल हुए हैं, जिन्हें PCR द्वारा बचाकर मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया है और एक व्यक्ति फंस गया है, जिसे मृत अवस्था में बाहर निकाला गया है। अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 5:30 छत गिरने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए कम से कम 4 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आपको बता दें, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल T1, T2 और T3 हैं। टर्मिनल 1 पर केवल घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश TV।